hello viewers welcome to my channel pots and plants today i'll be talking about euphorbia tithymoloides uh, this is a small leaf variety of padilanthus uh, this is a variegated variety it is a beautiful perennial house plant uh, look at uh, these leaves these are gorgeous small variegated leaves uh, it has uh, this dark green in the middle and uh, light green on both edges look at this stem it is of a zigzag shape that's why it's called uh, jacob's ladder and it is also known as uh, devil's backbone this plant needs a uh, bright and red sunlight for its growth uh, you can keep it in the shade uh, under a net where it's going to grow really well this plant doesn't like to sit in overly saturated soil give it a potting mix uh, which is loose and well draining you can use 40% garden soil 40% sand and 20% compost for this plant the propagation of this plant is really easy you just take 5 to 6 inch long cutting and uh, let the sap or uh, the latex dry for a couple of hours after that you can uh, plant it directly in a mixture of sand and soil in this pot i planted uh, four to five cuttings from this mother plant and you see all of these cuttings they are uh, growing well they have successfully propagated viewers i have already made a video a detailed video on the padilanthus plant which is available on my youtube channel okay viewers if you like the video then share it and subscribe to my channel असलम व्यूअर्स वेलकम टू माई चैनल पॉट्स एंड प्लान्स उम्मीद करता हूँ आप खैर उफियत से होंगे व्यूअर्स आज मैं आपसे दोबारा जो है ये यूफोर्पिया टाइथमोलाडियस या पेडिलेंथस प्लांट के बारे में बात कर रहा हूँ इसको ड्रेवल्स बैकबोन भी कहा जाता है और इसको जेकब्स लेटर भी कहा जाता है इसकी अगर आप स्टेम को देखें तो देखिए ये जिग जैग फॉर्म में दैट्स वाई इट्स कॉल्ड जेकब्स जैडर ये जो वैराटी है ये स्मॉल लीव्स वाली वेराइटी है जो कि वेरीगेटेड है इसके दरम्या में आप देखिए ये देखिए इसमें जो है ये दरम्यान में इसकी डार्कर ग्रीन और इसके एजेस के ऊपर दोनों तरफ लाइट ग्रीन कलर है ये बहुत ही खूबसूरत प्रीमियर हाउस प्लांट है व्यूअर्स मेरे पास ये प्लांट तकरीबन डेढ़ साल से है और मैंने इसको ये सात आठ इंच का ये पॉट दिया था ये देखिए इस प्लांट को अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए ब्राइट इंडेक्ट सनलाइट चाहिए व्यूअर्स इस प्लांट को एक ऐसा पॉट मिक्स दीजिए जो कि लूज और वेल ड्रेनिंग हो आप फोर्टी गार्डन सॉयल फोर्टी सैंड और ट्वेंटी कंपोस्ट के मिक्सचर में इस प्लांट को लगा सकते हैं इसमें इसकी ग्रोथ जो है अच्छी चलेगी व्यूअर्स इस प्लांट की प्रोपोगेशन भी बहुत ज़्यादा आसान है मैंने इस पॉट के अंदर इसी मदर प्लांट में से ये चार या पाँच इंच जो कटिंग्स जो थी मैंने लगाई थी जो कि चार पाँच इंच लॉन्ग हैं और ये देखिए ये तमाम कटिंग जो है सक्सेसफुली जो है प्रोपोगेट कर गई हैं देखिए इसकी प्रोपोगेसन के लिए आप इस प्लांट की ये चार से पाँच इंच लॉन्ग कटिंग लेके आप इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने दीजिए जब ये कटिंग ड्राई हो जाए इसका जो ले, जो लेटिक्स या सैप होता है वो ड्राई हो जाए उसके बाद आप इसको सैंड और गार्डन सॉइल के मिक्सचर में डायरेक्टली प्लांट कर सकते हैं ये कुछ वीक्स में रूट कर जाएगा और आपने इस कटिंग को सिर्फ शेड में रखना है और पानी बहुत कम देना है व्यूर्स पेटिलंथस के प्लांट पे मैंने पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाई थी जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है जिसमें मैंने जो इसकी दूसरी वैराइटीज़ थी डार्कर ग्रीन वन और वाइट वेरिगेटेड वन दोनों को कवर किया था मैं आपको उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वो वीडियो देख सकते हैं ओके व्यूअर्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें